हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। पूरा दिन का डाइट बहुत अच्छे से निकलता है, बहुत बहुत बढ़िया से जाता है, बट रात को होते होते पूरे दिन में जो भी हमारा हिसाब किताब रहता है, कभी लड़ाई हो गई, कभी किसी से झगड़ा हो गया, कभी मूड ऑफ हो गया, कभी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई, कभी ट्रैफिक में फंस गए, घर आके बिल्कुल लेथार्जिक सा फील कर रहे हो, कभी खांसी जुकाम बुखार है, कभी कुछ मन नहीं है कुछ भी खाने का, इन सारे मूड के बेसिस पे ना पूरे दिन की डाइट की ऐसी की तैसी हो जाती है, पूरे दिन की डाइट की बैंड बच जाती है। सो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब इतना पूरा दिन हमने स्ट्रगल कर लिया, ठीक से अपना डाइट को मेंटेन कर लिया, खा पी लिया, पानी अच्छे से पी लिया, डिनर के टाइम पे गड़बड़ हुई तो फिर पूरा दिन खराब, अगली सुबह का जो वेट देखा था मूड भी खराब, और साथ साथ वेट लॉस का जर्नी जो है बहुत ही ब्रेक 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 करके डीमोटिवेशन के साथ चलता है। सो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डिनर में कुछ इस तरीके के ऑप्शन ऑप्ट करने चाहिए जो हमारे मूड को भी सूटेबल रहे, जिससे हमारी बॉडी अगर एग्जॉस्ट है तब भी चल जाए, और जिससे अगर हम लो एनर्जी फील कर रहे हैं तब भी ठीक हो जाए। और कभी कभार ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही दो तीन दिन से, कुछ ऐसी मील हैवी खाने से जिससे नींद भी अच्छी आ जाए और सुबह उठ के आपका जो वेट लॉस है वो भी अच्छे से आपको दिखे स्केल पर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्विक है, ईजी है बनाना, और घर की बेसिक इंग्रीडियंट से ये चीज़ बनेगी, ये सारी रेसिपीज़ बनेगी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे समर्स की टॉप 7 रेसिपीज़ जो कि हम डिनर में यूज़ करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं, कोई भी इजीली बना लेगा, और आपके घर के किचन के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई रेसिपीज़ हैं। जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, पूरा दिन का डाइट बहुत अच्छे से जाएगा, अगर डिनर में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी, थोड़ी सी भी मंचिंग एक्स्ट्रा होगी रात के 11 बजे 12 बजे, ट्रस्ट मी पूरा दिन की डाइट 0/0, पूरे दिन की डाइट खराब। सो ऐसी सिचुएशन में हमें डिनर के कुछ ऐसे लॉजिकल एंड कुछ ऐसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस हमें चूज़ करने चाहिए जिसकी हेल्प से हमें एक तो क्रेविंग्स ना हो, मिडनाइट मंचिंग की ज़रूरत ना पड़े, आपका टमी फुल हो, उसके साथ साथ प्रोटीन भी साथ साथ जाए आपकी बॉडी के अंदर, फाइबर भी इक्वली जाए, एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको भूख ना लगने दे, आपका पेट जो है वो फुल करे, एंड आपका पेट जो है ऐसी चीज़ों से फुल हो जिसकी हेल्प से सुबह आपका वेट लॉस भी हो, आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो, एंड सबसे अच्छी चीज़ आपको वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम समस्या ना दे। सो चलते किचन में बनाते हैं मेरी 7 रेसिपीज, 7 सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई रेसिपीज, एंड वो हम यूज़ करेंगे डिनर में। अब कुछ कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि आप लंच में भी यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली आप डिनर में नहीं यूज़ करेंगे। जब आपका मूड होता है ना, जब आपका अंदर दिल की तमन्ना होती है यहाँ से यहाँ तक जाने की, सब यहाँ से यहाँ तक ना ऐसे नहीं जाया जाता, यहाँ तक जाने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है, आपको अपनी क्रेविंग्स को किल करना पड़ता है, डिनर के टाइमिंग सेट करने पड़ते हैं। जो जो लोग डिनर करते ही 9:30 बजे या 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे के बाद जो बंदा डिनर करेगा, ट्रस्ट में उसका वेट लॉस हो ही नहीं सकता, उसका टमी अंदर हो ही नहीं सकता। सो आपके वेट लॉस की जर्नी में आपके डिनर के जो टाइमिंग्स है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। सो मेक श्योर कि आपका डिनर जो है वो 7 बजे से पहले हो जाना चाहिए। सो अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारी 7 वेट लॉस की डिनर की रेसिपीज। ओके, फर्स्ट हम बना रहे हैं कटहल की सब्जी। ये है कटहल, मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं स्पेशली समर्स में। इसको मैंने कट करा है हाथों पे सरसों का तेल लगा के, अदरवाइज ये बहुत स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। एंड अब हम इसको वॉश कर चुके हैं मैं 3-4 बार, पानी में डिप किया हुआ है इसे। एंड अब हम बनाते हैं कटहल की सब्जी, और बहुत यम्मी डिनर रहेगा ये, और इसकी सैलेड बनेगी बहुत अच्छी सी। ओके, यहाँ पे मेरी कढ़ाई जो है वो गर्म हो रही है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले हल्दी पाउडर, एंड थोड़ा सा पिंच ऑफ हिंग पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे कटहल, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसमें कोई प्याज टमाटर हमें नहीं डालना, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर कर रहे हैं और इसको पकने देंगे हम फॉर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए सिम आंच में, बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। और पानी इसमें मैंने ऊपर से नहीं डाला है क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई बनेगा। अगर आपको लगेगा आपके पैन पे हल्का सा चिपक रहा है, सो 1 से 2 चम्मच आप पानी डालेंगे, मैं नहीं डाल दी अभी पानी, और अभी हम इसे सिम आंच पे पकने देंगे। नेक्स्ट हमारी कटहल जो है वो बन चुकी है, वो काफ़ी ड्राई ड्राई है,
नेक्स्ट इसके अंदर जो एक सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट जो इसका पूरा टेस्ट निकालेगा वो है हमारा अमचूर पाउडर। आधा चम्मच जितना मैंने इसमें डाला मेरा अमचूर पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एंड इट्स गुड टू गो, इट्स रेडी। या फिर आप इसमें लेमन जूस डालना या अमचूर पाउडर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ डालना एंड इतना यम्मी डिनर होगा, ये आराम से खाया जाएगा। ओके इट्स रेडी, एड सम टमाटर इसके ऊपर एंड इट्स गुड टू गो, हमारा डिनर जो है रेडी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं मसाला ओट्स। नाम मसाला ओट्स के लिए यहाँ पे मेरे कढ़ाई गर्म हो रही है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ओके सबसे पहली चीज इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा जीरा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी पिंच ऑफ हिंग पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पर मेरा हल्दी पाउडर। खूब अच्छे से हम इन सबको मिक्स करेंगे। ओके नेक्स्ट सबसे पहले इसमें जाएगा हमारे प्याज, एक प्याज जितना हम डालेंगे इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी मूंग धुली, ये मैंने गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए सोक करके रखी थी, अभी नॉर्मल हो गई है तो पानी इसमें से हम निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारी दाल, एक चम्मच जितनी दाल है ये, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे एक छोटा टमाटर। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे एक कड़छी, एक और कड़छी जितना ओट्स, दो कड़छी जितने मैंने ओट्स डाले हैं। तो खूब अच्छे से कर दिया है मिक्स। इसके अंदर अब मैं डालूंगी आधी कटोरी जितना पानी और पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब हम इसे सिम आंच पे पकने देंगे, ढक कर हम इसे ढक देंगे और अच्छे से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी है, इट्स रेडी। सो ये रहा हमारा मसाला मूंग दाल ओट्स। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं टमाटर रसम। ये रेसिपी तब चलती है जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप बुखार से उठे हैं, आपका मुंह का टेस्ट बहुत गंदा है, आपको कुछ चटपटा सा चाहिए बट कुछ हेल्दी फॉर्म में चाहिए, सो उस टाइम पे हम लेंगे टमाटर का रसम। इतना यम्मी है, इतना इजी है एंड बिना ऑयल का हम बनाएंगे इसे। सो ये रहा मेरा कुकर, कुकर के अंदर यहाँ पे मेरी कुछ सब्जियाँ कटी हुई हैं, घिया और बीन्स मेरे पास पड़े थे सो मैंने घिया और बीन्स इसमें डाल रही हूँ। गर्म पानी में मैंने वॉश करा इसको 2-3 बार, हर सब्जी को ऐसे ही वॉश करना है गर्म पानी में। यहाँ पे मेरे पास है टमाटर, 2 बड़े टमाटर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। नेक्स्ट ये रही मेरी सांभर की दाल, इसे मैंने गर्म पानी में सोक करके रखी है 2 चम्मच जितने। ये रही मेरी सांभर की दाल, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं चॉप किए हुए 2 टमाटर और ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी मेरा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मेरा जीरा, उसके अंदर फिर मैं डालूंगी मेरा हिंग पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा कस्तूरी मेथी थोड़ी सी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम पानी, 2 कटोरी जितना मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और अब हम इसे विसल लगाएंगे, 1 विसल तेज आंच पे और 3 विसल सिम आंच पे। इसको अच्छे से हम थोड़ा सा मैश करेंगे। इट्स रेडी, खट्टा खट्टा टैंगी टैंगी सा इसका फ्लेवर है। ओके सो हियर वी गो एंड इट्स रेडी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ये डाल दिया मैंने ऑयल। ओके सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे टमाटर,
इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी पालक। पालक को मैंने काट के अच्छे से वॉश करके बॉईल करा है और इसको फिर हमने ब्लेंड कर दिया है। मिक्स करी हमने पालक, इसको अच्छे से हम पकने देंगे। जिन जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, मैसिव हेयर फॉल है, जिनका एचपी लेवल कम है, जिनको पीरियड्स में बहुत हेवी ब्लीड रहता है, प्लीज़ ऐड पालक अपनी डाइट में एवरी ऑल्टरनेट डे। इसको खूब अच्छे से हम पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पालक अच्छे से पकी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास पनीर। टोफू भी यूज़ कर सकते हो, घर का बना पनीर भी यूज़ कर सकते हो, बाहर का रेडीमेड पनीर मत लाना पैकेट वाला। इसको अच्छे से मिक्स करा है, 2 मिनट हम इसे पकाएंगे एंड देन इट्स गुड टू गो। ओके, सो नेक्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। बहुत लोग इसको नफरत करते हैं, कौन सी रेसिपी है सुनने ना, करेले, करेला। नॉर्मली लोग करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, बट इस रेसिपी के साथ खाया जाएगा। तो हम सबसे पहले कुकर में लेंगे ऑयल, जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। शुगर वाले लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसमें डाल दिया मैंने प्याज, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा जीरा, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे टमाटर, ये रही मेरी दाल, इसके अंदर मैंने डाली है मूंग साबुत दाल। यहाँ पे मेरे पास है 3 करेले। 3 करेलों को मैंने पानी में भिगो के रख रखा था, नमक वाले पानी में, गरम पानी में आधे घंटे के लिए, और 90% जो कड़वापन है वो इससे चला गया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश किया है फिर प्लेन वाटर से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 करेले। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पानी, 1 कप जितना पानी। अब हम इसे विसल लगाएंगे, 3 विसल लगाएंगे, 1 तेज आंच पे, 3 सिम आंच पे। ओके, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 लेमन जूस, रेडी। ओके, सो नेक्स्ट रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल है, ऐसे सीजन के लिए, ऐसे टाइम की ये रेसिपी है जब आपको बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है एंड आप कुकिंग करने के बिल्कुल मूड में नहीं हो, और आपको या फिर एसिडिटी और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आप चाहते हो कि थोड़ा सा मेरा अगले दिन मैं बिल्कुल लीन और पतली दिखूँ। सो ये जो रेसिपी है ये है चिया सीड सैलड रेसिपी। सो यहाँ पर मेरे पास सोक किए हुए चिया सीड्स हैं, ये मैंने यहाँ पे बाउल में लिए, 1 चम्मच 2 चम्मच। नेक्स्ट इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ टमाटर, नेक्स्ट मेरे खीरा, नेक्स्ट 1/2 कटा हुआ प्याज, नेक्स्ट मेरे पास है पनीर, 50 ग्राम से भी थोड़ी सी कम पनीर है ये। ओके, नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूँ लेमन जूस एंड लास्ट इज भुना हुआ जीरे का पाउडर। नमक मैं इसमें बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एंड दिस सैलड बाउल इज एब्सोल्युटली रेडी। ओके, नेक्स्ट रेसिपी है हमारी मैंगो ओट स्मूदी। एंड ये रेसिपी हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है। ये डाल दिया मैंने मैंगो, हाइन फाइबर, नेक्स्ट 10 से 15 हमारा पुदीने का पत्ता, नेक्स्ट 1 चम्मच जितना ओट्स, नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम 1 गिलास जितना पानी और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे।
रेडी। वेलकम बैक। अब इन रेसिपीज़ में से कोई भी एक रेसिपीज़ आप चूज़ करिए अपने टेस्ट के बट के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, एंड उसको अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐड करेंगे एंड वेट लॉस बहुत जल्दी से करेंगे। एंड मेक श्योर आपके जो डिनर के टाइमिंग्स होंगे वो होंगे 7 से 7:30 बजे से पहले पहले। काफ़ी समझदार लोग होते हैं, 7:45 बजे ही कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। बट जो लोग 9 बजे 10 बजे कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेट लॉस, वो लोग बिल्कुल गायब हो जाओ, वो उनसे नहीं हो पाएगा। सो या दैट्स ऑल, एंड या आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू so much for watching. Take care, ji. Bye bye.